Hello friends, good morning. Welcome back to my channel, Indian blogger Aarju. We are very happy and this is the last day in Shirdi and kids are so happy and we are too. This is the most memorable moment for us. आज है ट्यूसडे और आज है 12th ऑफ नवंबर. तो आज लास्ट डे है मेरा शिरडी में. कल जाना है और मैं आई हूँ साई हेरिटेज. तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है. यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत कुछ है. आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा. नेक्स्ट डे आप लोग जब शिरडी घूमने आएँ तो साई हेरिटेज ज़रूर आएँ. और जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है. पहले साईं बाबा के जो टाइम में यहाँ पे कैसे लोग सरवाइव करते थे या साईं बाबा कैसे लोगों की मदद करते थे, तो वो सारी चीज़ें मूर्तियों के द्वारा बताई गई है और बहुत अच्छी झांकी की तरह से यहाँ पे दिखाई गई है. तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. मैंने वीडियो बनाई है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको. तो चलिए फिर आप एंजॉय कीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ. तो फ्रेंड्स, ये जो साई हेरिटेज है ये हमारे होटल बिल्कुल भी नज़दीक था. बस 5 मिनट लगे थे मुझे ऑटो से जाने में. और यहाँ पे टिकट काउंटर है जहाँ से ये टिकट ले रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साई हेरिटेज. ये इसका फ्रंट एरिया है. तो बहुत ही नेचुरल और ट्रेडिशनल लुक दे रहा है. चूँकि साई हेरिटेज वहाँ साई बाबा जो पहले लोग कैसे रहते थे उस ज़माने में, उसी की यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं. मूर्तियों के थ्रू हमें बताने की कोशिश की गई है. तो चलिए मेरे साथ बने रहिए. तो ये देखिए मैं अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे टिकट चेकिंग होने वाली है. तो ये बच्चों को टिकट लेने गए हैं. हमें पता नहीं था बच्चों की भी टिकट लगती है. और यहाँ पे राजस्थानी ड्रेस पहनकर लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं, वो वाली है. और इधर देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है. बछड़ा है, गाय है और नज़र उतार रही एक माता जी और उधर हल चलाता हुआ एक किसान. तो बस इधर से जो गांव की तरफ एंट्रेंस है वो है. तो मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ. आप देखिए बिल्कुल लग रहा है कि ओरिजिनल है. बिल्कुल ये मूर्ति बनी हुई है और इधर किसान जो हल चला रहा है. तो यहाँ आते ही बच्चों की मस्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है. और यहाँ बहुत सारे झूले और बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं. और यहाँ जो मैंने आपको बताई राजस्थानी कपड़ों को पहन कर जो सूट करवाते हैं वही है यहाँ पे. तो यहाँ से स्टार्ट होता है. एक छोटा सा गांव बसा हुआ. मूर्तियों के थ्रू हमें बताने की कोशिश की गई है कि साईं के टाइम में, साईं बाबा के टाइम में वहाँ के जो लोग थे अपने जीवन यापन को कैसे करते थे, कैसे जीवन बिताते थे. तो एक छोटा सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा. तो बने रहे मेरे साथ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर लोग पूजा कर रहे हैं. लोग उस टाइम में इसी तरह से पूजा करते हैं. उधर साईं बाबा की झांकी आ रही है. इधर लोग वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं सभी. ऐसा एक दृश्य है. तो यहाँ एक माता जी सूप में कुछ बिनने की कोशिश कर रही हैं और एक मुर्गा वहीं पे बैठा है जो दाना चुग रहा है. और कोई यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई बजाकर कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है. और यहाँ एक बकरी बनी हुई है और जलावन के लिए बकरी के गोबर से चिपड़ी बनाई जा रही है. और इधर एक किसान लकड़हारा लकड़ी काट रहा है. और इधर साईं बाबा एक माता जी के साथ कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा ही कुछ होगा. और इधर दो औरतें जो पापड़ बनाने की सामग्री होती है, चावल आदि, उसे पीस रही हैं सिलबट्टे में. और इधर एक लड़की पापड़ बना रही है.
ऐसा एक दृश्य है यहाँ पे। तो वहाँ के लोग का जो रोजगार हुआ करता था ऐसा ही कुछ यहाँ पे बनी हुई है मूर्तियाँ। और यहाँ पे कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके उसका एक बच्चा है। और यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए जो आग का चूल्हा बनाया जाता है वो है, यहाँ मिट्टी समेटा जा रहा है। तो यही दृश्य है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बुजुर्ग पेड़ के नीचे सो रहे हैं और इधर कहा जाता था साईं बाबा अपने हाथों से चावल को पीसकर और उसके उसको खाना वगैरह बनाकर अपने भक्तों को दिया करते थे जो भी उनके दरबार में आता था, ऐसा कुछ उस टाइम में कहा जाता है। और इधर साईं बाबा की रोज झांकी निकलती थी उस टाइम में, वही एक दृश्य है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है दो औरतें बातें कर रही हैं और इधर लोग पूजा वगैरह और कुछ खुशी मना रहे हैं। मुझे उतना आइडिया नहीं है उस टाइम का, लेकिन शायद लोग इसी तरह से। और यहाँ पे कहा जाता है साईं बाबा स्वेच्छा से सभी से कुछ लेकर फिर अपने भक्तों को भूखों को खाना दिया करते थे। और यहाँ देख सकते हैं कि उस टाइम भी बच्चे कैसे आउटडोर गेम को एंजॉय कर रहे हैं। और इधर एक टेलर मास्टर कपड़े को सिल रहा है। उस समय जैसे एक गांव का जो सेटअप होता था उसी तरीके से है। और ये साईं बाबा का दरबार जहाँ वो अपने हाथों से अपने भक्तों को खाना दे रहे हैं। और उधर एक झाड़ू लगा रही है, वो ओरिजिनल है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम की समावेश बहुत अच्छे तरीके से देखा गया। और यहाँ एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लगता है उस समय जो पंचायत हुआ करती थी वही यहाँ पे कुछ कानून वगैरह बताया जा रहा है। और यहाँ साईं बाबा बीमार हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, वहीं का एक दृश्य है। और इधर एक माता जी रो रही हैं। तो ये है टॉय ट्रेन, अब आते हैं फन जोन में। तो फ्रेंड्स यहाँ से पूरा फन जोन कह सकते हैं। देखिए आते साथ बच्चों ने अपनी अपनी सीट ले ली और मस्ती शुरू है। यहाँ बड़े भी बहुत मस्ती कर रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया है और उसमें एक तरफ मूर्तियाँ जो आप भी मैंने आपसे शेयर की वो है। और यहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं तो बच्चे खूब सारे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ हम लोगों ने 2-3 घंटे बिताए, बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है शिरडी में, तो अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मेमोरी बटोर कर हम लोग लेके जा रहे हैं वापस अमृतसर। तो ये है टॉय ट्रेन जो लास्ट मैंने आपसे शेयर किया। हमने भी इसको एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही मुझे डर लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए। और बच्चे तो खूब इंजॉय करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं डरते। आपने देखा ये कितना खूबसूरत हेरिटेज है। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, टाइम कैसे कट गया पता ही नहीं चला। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा, जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।